तो दर्शकों, इस समय में हमारे साथ में खास मुलाकात इस कार्यक्रम में NVCC यानी नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल साहब है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे आज फोनों पर कि लॉकडाउन के खिलाफ आखिरकार सड़क पर व्यापारी क्यों उतरना चाहते हैं। इस समय हमारे साथ में दीपेन अग्रवाल जी है। दीपेन जी नमस्कार, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ संजय जी, नमस्कार। नमस्कार दीपेन जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के ताजा आदेश का खुलासा होने के बाद व्यापारियों का जो पारा सातवां आसमान में पहुंच गया था, क्या वजह थी, क्या कहना चाहोगे आप? वजह यह है कि सरकार ऐसा मानती है, ऐसा महसूस होता है कि सरकार ये मानती है कि कोरोना जो है सिर्फ व्यापारी की दुकानों से ही फैलता है और बाकी सब जगह में कोरोना नहीं मिलता है, मतलब कोरोना फैलता नहीं है। तो ये जो सोच है, ये सोच का विरोध है। और व्यापारी को दुकान बंद करने का आप आदेश करते हो और कोई भी रिलीफ मेजर और कोई कंपनसेशन उनके बारे में सोचते नहीं हो और कोई अनाउंस नहीं करते हो, और चाहोगे कि भाई दुकान बंद करके व्यापारी टैक्स भी भरे, रेंट भी भरे, इंटरेस्ट भी भरे, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरे, तो हर चीज की लाइबिलिटी व्यापारी भरे और सैलरी भी भरे, वेजेस भी भरे और दुकान भी बंद रखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी सरकार का प्रशासन और शासन का जो फेलियर है कोरोना को कंट्रोल में करने का, उसका इजी वे आउट लॉकडाउन कर रहे हैं, और लॉकडाउन से ये रुकने वाला है क्या, इसकी कोई स्टडी इनके पास नहीं है, इसलिए व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं और व्यापारी बोल रहे हैं कि हम दुकान चालू रखेंगे। दीपक जी ये बताइए कि आपने तो 72 घंटे का अल्टीमेटम उन्हें दिया है, अगर 72 घंटे के अंदर प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी बात को मान्य नहीं की गई या दरकिनार कर दिया गया तो आप व्यापारियों के संगठन की अगली रणनीति किस प्रकार की होंगी इस आंदोलन को लेकर? देखिए व्यापारी पूरे स्टेट में बहुत ज्यादा आंदोलित है और आक्रोशित है सरकार के इस निर्णय के खिलाफ, लेकिन फिर भी हमने उनको, व्यापारियों को समझा के ये बताया कि सरकार को थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि ये कैबिनेट का निर्णय है और ये कैबिनेट में ही इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सरकार से अपील किया है हमने कि आप ये जो लॉकडाउन का आदेश है उसमें शिथिलता लाके दुकानें खोलने की परमिशन दीजिए, टाइमिंग दीजिए, अल्टरनेट दीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के व्यापारियों की दुकान खुलना चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात क्या है, कोरोना अगर भीड़ में फैलता है तो जो दुकानें जहाँ पे भीड़ के दिन में दो कस्टमर नहीं आते वो दुकानों को भी आपने बंद करा दिया। सर दीपक जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, मेरा सवाल ये है भीड़ से लेकर ही जब, जैसे कि यदि हम देखते हैं कि रजिस्ट्री के जो ऑफिसर्स है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं, वकील लोगों के कारोबार एक तरफ जारी है, किराना दुकान जारी है, बस सेवा, विमान सेवा, जो जैसे सरकारी ऑफिस है, किराना है, सब्जी है, ये तमाम जो दुकानें शुरू है, क्या इनके माध्यम से कोरोना का फैलाव नहीं होगा क्या? ये मेरा सवाल है, क्या कहना चाहोगे? जो आपका सवाल है यही हमारा सवाल है, और इसलिए व्यापारी जो है आक्रोशित है कि सिर्फ दुकानें बंद करके कोरोना कंट्रोल होने वाला है क्या। और इसी वजह से हमने जो सरकार को बोला और अपील करी है कि वो इसमें शिथिलता लाए और इसमें रिलैक्सेशन करके दुकानें खोलने का अलाउ करे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन अग्रवाल साहब। तो दर्शकों, आप थे नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए तमाम पहलुओं पर रोशनी डाला और ये बताया कि राज्य सरकार और प्रशासन अपने अड़ियल रवैये से बाहर निकले और व्यापारियों के बारे में सोचे, क्योंकि तमाम कारोबार इस समय में शहर में, देश में शुरू है, जबकि व्यापार ही बंद है, जिससे व्यापारियों के ऊपर में और व्यापारियों से जुड़े हुए वे तमाम लोगों के ऊपर, जैसे उनके दुकान में कुछ कामकाज करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनका बहुत बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ऐसा ही होते रहा तो बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य का होगा, देश का होगा, और इससे इस देश की या राज्य का विकास नहीं हो सकता। ये कम से कम इसकी रोकथाम करना हो तो व्यापारियों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस और कदम बढ़ाना चाहिए और लॉकडाउन को लेके जो एक संभ्रम जो है वो संभ्रम की स्थितियां दूर होकर कितने दिन का लॉकडाउन होगा, क्या होगा, ये तमाम बातें व्यापारियों से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यापार, ये पूरे जगत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इस संसार के, अगर व्यापारी नहीं होगा
तो पूरा शरीर कैसा बैलेंस होगा, ये एक सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार दीपेन अग्रवाल साहब। तो दर्शकों, आप थे दीपेन अग्रवाल जी। अगली बार फिर हम किसी ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर लॉकडाउन से आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।